Halo. विद्यार्थियों, यह जो उत्सव हम लोग मनाने आए हैं, यह उत्सव बहुत बलिदान के बाद यह प्राप्त हुआ है। हमारी बाबा को जूम करके लो संस्कृति और सभ्यता को मटियामेट कर दिया गया था। आगे चढ़ते हम लोग पशुपत जीवन बचत कर रहे थे, हम अपने देश में ही कंगाल बने हुए थे और नवयुवकों के जोश और बलिदान से यह आजादी हमको प्राप्त हुई है। इस प्रकार से सुदृढ़ मकान बनाने के लिए पक्के पक्के ईंटों की नींव दी जाती है, उसी प्रकार से इस देश को आजादी करने में बहुत बलिदान दिया गया है। बहुत नवयुवक और महिलाओं का इसमें नींव पड़ा हुआ है। हम इस प्रकार से बने, इस प्रकार से देश को रक्षे हैं, जो पुनः हम इस दुर्दिन को देखने नहीं पा रहे हैं। बहुत कष्ट है, नौजवानों को पकड़ पकड़ करके बेरहमी से मारा जाता था, बहुत महिलाएं किसी दूर हो गई, बहुत माता को दिखाल हो गई, वॉलंटियर को सेवक को पकड़ा जाता था, भूखे 8-8 दिन लगता था और रसगुल्ला लेकर सामने कहता था, बोलो हम आजादी नहीं लेंगे, हरा देंगे तुमको। वो कहता था, नहीं मुझे आजादी चाहिए। 200 लोह में सुई गाड़ जाता था और थोड़ा बोलो आजादी नहीं लेंगे तो सुई निकाल देते हैं। कहा नहीं, मरना कबूल करते हैं। देखा आपके शहीद प्रभु नारायण देश के लिए सीना तान गोली सह लिए, तो बहुत बलिदान के बाद यह आजादी आई है और हम लोग इसको संभाल कर रखे हैं। बोलिए श्री हम भारत माता की जय। जय वंदे मातरम। जय देश 70वां गणतंत्र, आप सबको 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। और थोड़ा सा ये अवलोकन का वक्त है, 3 राष्ट्रीय त्योहार हमारे हैं। 1 15 अगस्त जब आजाद हुए, 26 जनवरी जब गणतंत्र सही मायने में लागू हुआ, और तीसरा 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता की जयंती। ये 3 राष्ट्रीय पर्व है। जैसे हो दीपावली और दशहरा हिंदुओं का पर्व है, ईद बकरीद मुस्लिम लोगों का पर्व है, गुड फ्राइडे लोगों का पर्व है, उसी तरह से पूरे देश का ये पर्व है 15 अगस्त 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो थोड़ी सी हम लोग देश के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में विचार करते हैं। गणतंत्र का महत्व ऐसे समझा जा सकता है,
कि गणतंत्र दुनिया में कहीं नहीं था। सबसे पहले गणतंत्र के पहले क्या था? गणतंत्र के पहले राजतंत्र था, जो सबसे शक्तिशाली हुआ करता था, वो जीत करके किसी राज पर कब्जा करता था और उसी राजा के अधीन प्रजा होती थी। पूरी दुनिया में राजतंत्र था, अलग अलग छोटे छोटे कस्बे में बटा हुआ था पूरी दुनिया। देश में भी, हमारे भारत में भी 500 से ज्यादा राजे रजवाड़े थे। यहां पर 500 छोटे छोटे राज्य में देश बटा हुआ था, ऐसी पूरी दुनिया बटी हुई थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, रानी बनेगी, वही राजकुमार को फिर सिंहासन मिलेगा, उसी का जिंदगी इस दुनिया में सार्थक था, बाकी का जिंदा होना, पैदा होना व्यर्थ था। आदमी की जिंदगी का कोई कीमत नहीं थी। राजा को गुस्सा आ जाता तो सजा देता था कि इसको हाथी के पैर से कुचलवा दिया जाए, तो गलती किया तो उसको हाथी के पैरों के तले कुचलवा करके उसकी ऐसी हत्या की जाती थी ताकि लोग डरे। राजा का काम था प्रजा को डरा करके शासन करना। तो राजतंत्र पूरी दुनिया में चल रहा था और इस पूरी दुनिया में सबसे पहला गणतंत्र कि नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, पब्लिक राजा चुनेगा, जनता राजा चुनेगा। तो पूरे दुनिया में एकमात्र उदाहरण वैशाली का आता है इतिहास में। वैशाली ही एक जगह आता है जहां सबसे पहले दुनिया में लोकतंत्र, गणतंत्र की स्थापना